हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 सर नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है, देखिए पहले हम रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन इज द पॉइंट, मतलब आपके पास यहां पे पॉइंट दिए हुए हैं। कौन से पॉइंट हैं हम राइट कर देते हैं। देखिए कौन से हैं, 1, 5, 2, 3 एंड -2, -4 आपको दिए हैं। मतलब आपको बताना है आपके पास जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं। तो कोलिनियर आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि जब कोई भी पॉइंट 2 या मोर पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने कह दिया फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। और यहाँ पे आपके पास जो दिया हुआ है वो 3 पॉइंट में राइट कर देता हूँ, 1, 5, 2, 3 और थर्ड आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है -2, -11। अगर ये आपकी जो पॉइंट है वो तीनों अगर एक ही लाइन में आके वो मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। मींस अगर मैं ये लाइन आपको ले जा रहा हूँ, अगर ये जो पॉइंट है तीनों अगर एक ही पॉइंट में आ रहे हैं मतलब ये कोलिनियर हो गया। और जैसे हमने ले लिया पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर मैं ले लूँ, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि इसमें आप ये जो पॉइंट है इसमें आप लाइन बनाइए तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपके उसमें वन लाइन ही बना सकते हैं और लास्ट का ये जो पॉइंट बचेगा वो रिलाइन हो जाएगा, मतलब ये आपका कोलिनियर पॉइंट नहीं है। कोलिनियर पॉइंट में एक और यहाँ पे ज्योमेट्री शुरू की है, हमने यहाँ पे पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया है और पॉइंट सी ए लिया। अब कोलिनियर का अगर आप तुरंत यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस की यहाँ पे बात करेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए। मतलब AB plus BC, मतलब AB की वैल्यू और BC की वैल्यू जब आप दोनों को प्लस करें तो A और C की वैल्यू के सेम होना चाहिए, डिस्टेंस के सेम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आपके सेम आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोलिनियर पॉइंट है। बट अगर नहीं आएगी सेम, प्लस करने में सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। तो ये पहले इसके लिए हमें यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लेट द पॉइंट जो आपके पास दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं देखिए, फर्स्ट हमको लेते हैं ए, 1, 5 इरेज कर देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है, 2, 3 और थर्ड आपके पास दिया हुआ है 1, -2, -11 एंड सी के पॉइंट क्या होंगे, -2 और -11। मैंने अभी आपको बताया कि अगर टू या मोर पॉइंट में अगर एक ही लाइन अगर आपने ड्रॉ कर लिया मीन्स वो क्या हो जाता है, कोलिनियर पॉइंट होता है। या फिर आपको एक और अलग मेथड बता दिया गया था कि AB plus BC = AC, अगर आप डिस्टेंस इक्वल बता रहे हैं तो मतलब वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट होगा। तो पहले हम यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट हो गए हैं तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, केवल आपके पास रफ वर्क में होना चाहिए। अगर आप इसको ड्रॉ भी कर रहे हैं तो आपको ये रॉन्ग नहीं होगा, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। पर इसको प्रॉपर भी देखो, ये नहीं कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं पॉइंट में, अगर कुछ भी आपकी मिस्टेक हो जाएगा और वैल्यू आपकी रॉन्ग भी हो सकती है। तो आपके पास ए की जो पॉइंट है ये 1 और 5, इसलिए आप मोस्टली ये आप प्रैक्टिस कीजिए कि जो लाइन ड्रॉ करने वाली चीज है वो आती है आप रफ वर्क में कीजिए। सॉल्यूशन आप मैंने सामने आपको रिप्रेजेंट कर दीजिए, 2, 3 और सी क्या है, -2 और -11। तो हम पहले पॉइंट पॉइंट कैसे कर लेंगे देख लीजिए, आपको पता है -2 और -11। पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं, राइट कर देते हैं फॉर द पॉइंट, पॉइंट ए एंड बी। पहले हम ए एंड बी के जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे अगर जो रिमेनिंग बच रहा है, राइट कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, जैसे आप ऐसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कर देते हैं y1 y2। x2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, y1 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे 5 एंड y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अभी हम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। अब इसके लिए हम लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको पता है। क्या फॉर्मूला पता होता है देखिए, मैं राइट कर देता हूं 0 दैट द डिस्टेंस
का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। बट हम इसका फॉर्मूला डिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए एंड बी, हम लगा देते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल ए बी के हम डिस्टेंस फाइंड करें तो ए बी इक्वल हम लिख सकते हैं। हमारे पास एक्स टू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है टू है और एक्स वन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्या है वो वन है, और वाई वन की वैल्यू फाइव है, ये होल स्क्वायर कर देते हैं ए बी इक्वल आ जाएगा, ए बी इक्वल क्या आ जाएगा टू में आप वन को करेंगे तो वन आएगा स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे माइनस थ्री माइनस फाइव करेंगे तो फिर भी इसका आंसर क्या आएगा माइनस टू आ जाएगा स्क्वायर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ए बी इक्वल क्या आएगी वैल्यू वन स्क्वायर करेंगे तो वन और माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, ए बी इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट फाइव यूनिट, क्योंकि आप डिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं डिस्टेंस आपका आंसर यूनिट पे आ गया। हमने फाइंड कर लिया था डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी का हमने डिस्टेंस सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना था ए बी, तो आपने फाइंड कर लिया ए बी प्लस बी सी इक्वल आपको ए सी बताना है, ये वैल्यू आपके पास कंडीशन दी हुई थी, ये चीज आपने राइट कर लिया। लास्ट में हमको माइंड में होना चाहिए कि ए बी की वैल्यू क्या आ रही है वो चीज हम राइट करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, तो सेकेंड पॉइंट अब देखिए हमको क्या करना है, ये और कुछ नंबर यहाँ पे सेम हो जाएंगे बट जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, क्या क्या चेंज होंगी, हमको किसके फाइंड करनी है डिस्टेंस बी सी का फाइंड करना है, तो ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे और नहीं इरेज करूंगा क्योंकि सेम वही चीज रहेगी और ये नंबर चेंज होंगे फॉर्मूले सेम वही रहेगा, ये फॉर्मूले भी सेम वही है, ये वैल्यू यहाँ पे चेंज रहेगी क्योंकि बार बार वही चीज को राइट करना और ये टाइम वेस्ट होगा, जो चीज दी हुई है वो चीज हम मेन चीज वो रिलेस कर देते हैं। अब फॉर द पॉइंट बी एंड सी, बी के पॉइंट क्या है देखिए ये है टू और थ्री एंड सी के पॉइंट क्या आ जाए है माइनस टू और माइनस थ्री बाय वन, एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू और एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू, वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री एंड वाई टू की क्या हो जाएगी माइनस थ्री, सेम वही होगा बी नोट एट द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पॉइंट, ये फॉर्मूला सेम वही लगेगा बट हम डिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं बी एंड सी, तो बी सी इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे x 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 और ऑलरेडी यहां पे फॉर्मूले माइनस 2 हो जाए तो हमने स्क्वायर कर दिया, x 2 माइनस x 1 x 2 की वैल्यू क्या है माइनस 11 है यहां पे हमने पुट कर दिया माइनस 11 फॉर्मूले में ऑलरेडी यहां पे माइनस है और x 1 की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है थ्री यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया ये होल स्क्वायर है, bc इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस टू माइनस टू माइनस होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री इक्वल माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन स्क्वायर। अब आप जब यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करेंगे bc इक्वल क्या हो जाएगा होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आएगा यहाँ पे सिक्सटीन प्लस फोर्टीन स्क्वायर होता है 196 जो नंबर यहाँ पे रूट से बाहर आ रहे हैं उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट से बाहर कर सकते हैं, तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा, अगेन 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 54 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27 3 कितना सॉरी 3 से करेंगे यहां पे 9 फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 331 मतलब 2 और 3 2 3 से 6 और 6 मतलब 6 रूट 6। देख लीजिए यहां पे वन मिस्टेक क्या हो गया ऐड मिस्टेक हो गई है, जब हम 196 और 16 को ऐड करेंगे 6 प्लस 2 होता है 12 वन कह रहे 9 10 11 वन कह रहे हो सब 212 आना चाहिए यहां पे मिस्टेक हो गई थी, तो अब यहां पे जब प्राइम फैक्टर हम करेंगे 212 का ही प्राइम फैक्टर सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टर लेके क्या आएगा 212 को फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं 1 0 6 अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 और 3
अब 53 है, देख लीजिए यहाँ पे 70 में अगर आ रहा है तो हम उसको कर देंगे, नहीं आ रहा है तो उसको नहीं करेंगे। नहीं आ रहा है तो क्या किया, हम यहाँ पे 53 ही राइट कर देते हैं। कौन सा पेयर बाहर निकल रहे हैं, बी सी पर आ जाएगा 2√53 यूनिट। ये भी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। हमने बी सी का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सॉल्व कर दिया। अब हमको क्या फाइंड करना था, ए सी। तो सेम वही चीज रहेगी, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जो पॉइंट है वो चीज मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ, क्योंकि हमको अभी बी सी के भी पॉइंट फाइंड करना है। क्या करेंगे देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, सेम ये चीजें हमें रेस करनी है। और आपके माइंड में होना चाहिए कि बी सी आपने क्या फाइंड किया और आप फर्स्ट हमने सॉल्व किया था ए बी, ये सब चीजें आपके माइंड में स्टार्टिंग होनी चाहिए पहले जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे चेंज रहेंगे, ये मैं रेस कर देता हूँ। देखिए सर कौन से हमें पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए सी, ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1 और 5, और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू जाएगी -2 और -1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू जाएगी -2, y1 की वैल्यू जाएगी 5 और y2 की वैल्यू जाएगी -2। आप पुट कर दीजिए, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, नेम वाली फॉर्मूला का ही होगा, बट यहाँ पे नेम चेंज नहीं आएगा, डिस्टेंस की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे AC पर क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, h2 की जगह वैल्यू क्या पुट करना है, -2, -x1 की जगह पुट करना है -1 स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या पुट करना है -1 सॉरी -11 है, और -y1 की जगह पुट करना है 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर निकाल दीजिए, AC पर आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा -3 स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 16 -16 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए सी इक्वल क्या करना है, स्क्वायर निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर आप फाइंड करेंगे क्या आएगा 9, प्लस 16 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर आपको करना है 6 6 6 कैरी 3, फिर आप बैक मल्टीप्लाई कर लेते 16 16 9 6 1 6 5 2 256 256। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, देखिए ऐड करने में क्या आएगा, 256 और 256 में आपको 9 ऐड करना है, तो 9 + 5 हो जाएगा क्या 51, कैरी हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 265 एसी पर क्या हो जाएगा 265 यूनिट। रूट में लगा लीजिए यहाँ पे, अगर इसकी कोई वैल्यू रूट से बाहर आ रही है तो हम इसको रूट से बाहर यहाँ पे कर सकते हैं, सेम जो वैल्यू वही यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू इसकी यूनिट आ गई है, बट आपको मैं फिर से बता रहा हूँ ये जो डायग्राम है वो आपको एग्जाम में इसको बन दीजिएगा, वरना आप रॉन्ग कर देंगे। रॉन्ग का मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ आपके आंसर आते हैं कोलिनियर में, कुछ आते हैं नॉट कोलिनियर, बट अगर आपका आंसर आ गया नॉट कोलिनियर में तो आप के लिए ये डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि कोलिनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन का जो सम होगा वो दोनों ये सम करने में लास्ट स्टार्टिंग टू लास्ट का डिस्टेंस सेम होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में पॉइंट नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे और जो पॉइंट दिए हुए थे वो चीज़ें हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, जितनी हमने पॉइंट वैल्यू सॉल्व की गई थी यहाँ पे, देखिए फर्स्ट हमने सॉल्व किया था ए बी डिस्टेंस, ए बी हमने फाइंड किया था, ए बी फाइंड किया है, उसके बाद हमने फाइंड किया है बी सी, क्या हमने फाइंड किया किया है ए सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो वो चीज में और राइट कर लेता हूँ स्टार्टिंग से लास्ट तक। ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे हमने राइट कर लिया है, ए बी बी सी एंड ए सी, मतलब डिस्टेंस ही और जो दिए हुए हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ अ टू पॉइंट ए बी इक्वल हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ अ बी सी इक्वल द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए सी, ये और डिस्टेंस हो गया। अब आपको बताना क्या है, नाउ AB plus BC इक्वल क्या होना चाहिए था, AC, अगर ये वैल्यू इक्वल आ रही है मतलब कोलिनियर है, नहीं आएगी इक्वल मतलब नॉट कोलिनियर हो जाएगा। AB की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5 और BC की वैल्यू दी हुई है 2√553 इक्वल दिया हुआ है 2√265, तो इसको जब आप सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर होगा, मतलब ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। तो अब जब आपकी जो वैल्यू है AB plus BC का जो सम करने में उसकी वैल्यू जब इक्वल नहीं आएगी तो
आपके जो वैल्यू हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, राइट कर देते हैं द पॉइंट ए। अब यहाँ पे पॉइंट ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.5 है। बी के पॉइंट क्या है, 2, 3 है। एंड पॉइंट -2 और -11 क्या है, आर नॉट लीनियर पॉइंट, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपकी जब ये वैल्यू ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी आ रही है, मतलब ये जो पॉइंट आपके दिए हुए हैं 3 पॉइंट, ये नॉट कोलिनियर है, या फिर आप यहाँ पे नो भी बता सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये कंप्लीट हो गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए हमको सॉल्व क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है, क्या चेक करना है देख लीजिए, चेक वेदर 5 - 2, 4, 6, 4 and 7 - 2 आर द वर्टिकल्स ऑफ द आइसोसेलस ट्रायंगल। मतलब आपको बताना है आपके पास जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये आइसोसेलस ट्रायंगल है या फिर नहीं, बट आपको आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगा, डेफिनेशन आपको पता होगा आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं, ये भी आपको रफ वर्क नहीं करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, मतलब अगर इनके जो वर्टिकल ट्रायंगल है ये एंगल और सॉरी साइड और ये साइड है तो दोनों इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती है और 1 साइड क्या होती है, नॉट इक्वल होती है। अगर हम एंगल की बात करते हैं, एंगल भी इनके वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, बट हमको साइड से यहाँ पे करना है, एंगल से हम कोई भी है ही। और इस पॉइंट आपके पास दिए हुए ये आपको अगर डिस्टेंस अगर आपने पता कर लिया और ये डिस्टेंस और मतलब तो पॉइंट को करना पड़ेगा और इतनी डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ए है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, पॉइंट आपके पास है, तो आपको बताना है कि ए बी और ए सी या फिर कोई भी टू पॉइंट ट्राइंगल की कोई भी टू साइड का जो सम आ रहा है, ट्राइंगल की कोई भी जो टू पॉइंट है वो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहे हैं मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल है, बट अगर नहीं आ रही है कोई भी टू वैल्यू, अगर आपको डिस्टेंस सॉल्व करने में इक्वल नहीं आ रहा है तो आपके आइसोसेलस ट्रायंगल नहीं होंगे। तो हम पहले आपने आप जो पॉइंट दिए हुए वो लिख देते हैं, लेट द पॉइंट ए, दे दीजिए ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 - 2, 5 - 2। बी के पॉइंट दिए हुए हैं 4, 6, 4, 6 है या फिर देख लीजिए यहाँ पे 6, 4 है, 6, 4, 6, 4। एंड सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है यहाँ पे 7 - 2। अब आपको बताना है ये आइसोसेलस ट्रायंगल है कि नहीं, तो सेम उसी मेथड से अप्लाई करेंगे जैसे अभी आपको मैं बताया था आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए। अगर इसमें से डिस्टेंस अगर हमने फाइंड किया, कोई भी टू पॉइंट की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो वो हमारे आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएंगे। डायग्राम से भी हम ये बनाएंगे, अगर आपको बनाना है तो आप रफ वर्क में अपने लिए नॉलेज के लिए बना सकते हैं। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी, हमारे पास ए जो पॉइंट है वो 5 और -2, बी के यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं वो 6 और 4 है, सी का पॉइंट क्या है 7 और -2 है। तो आपको पहले आप फाइंड कर लीजिए ए बी, उसके बाद फाइंड कर लीजिए ए सी और लास्ट में आप फाइंड कर लीजिए बी सी, तीनों आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा और पता कर लीजिए अगर कोई भी साइड इक्वल आ रही है तो वो आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो फाइंड कर लेते हैं फॉर द पॉइंट ए
डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब आपको डिस्टेंस का आप क्या फाइंड करें, ए बी फाइंड करें। फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है, x2 की जगह आपको पुट करना है 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 की वैल्यू आपके पास है 4 और y1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस दी हुई है, तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस, तो हम यहां पुट कर देंगे प्लस होल स्क्वायर। ap इक्वल हो जाएगा यहां पे, ap इक्वल क्या रहेगा, देख लीजिए 6 में यहां 5 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा यहां पे 6 स्क्वायर, मैं यहां से ऐड कर देता हूं। ap इक्वल क्या आ जाएगा यहां पे 1 स्क्वायर 1 और 6 स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36। ap इक्वल क्या आएगा यहां पे 87 √37। AD की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है, √37। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, देख लीजिए सेकंड जो पॉइंट है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए अब हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे AD हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर लेते हैं BC। ये ऐसे फाइंड करेंगे AD उसके बाद BC। ये इरेज कर देता हूँ पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट इरेज कर देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे इरेज कर दूंगा मैं और ये वैल्यू मुझे इरेज करना है और सेम फॉर्मूला वही होगा ही होगा जो हमने अभी सॉल्व किया था। इसके पहले मैंने जैसे सॉल्व किया था सेम उसी मेथड से ये भी सॉल्व मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कौन से फॉर द पॉइंट कौन से हो जाएंगे, बी सी बी पॉइंट यहाँ पे क्या है 6 4 है एंड सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे 7 और -1। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लिखना है यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 6, x2 की वैल्यू हो जाएगी 7, y1 की वैल्यू यहाँ पे 4 एंड y2 की वैल्यू क्या है -2। फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस अब इसका फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या c, यहाँ पे c और यहाँ पे l, bc इक्वल क्या दे दी वैल्यू पुटिंग कर दीजिए x2 - x1, x2 मतलब 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू ये दी हुई है -4 हो जाएगा, स्क्वायर लगा लीजिए यहाँ पे तो BC इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 7 में आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या -6, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं -6 स्क्वायर। ये लीजिए BC इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा एंड -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। BC इक्वल क्या हो जाएगा आपके √37 यूनिट। ये हमने BC फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे AC या फिर CA। ये चीज आपने BC मतलब AB एंड BC की वैल्यू √37 दोनों सेम आ गए। ये फिर से रेस करते हैं, एक और पॉइंट आप भी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हम AC फाइंड कर लेते हैं, ये वैल्यू यहां पे रेस कर देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं, बार बार आप वही मैथ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपके क्वेश्चन आपके बुक में ऐसे पूछा गया है, नेम अलग है बट मैथड सेम रही है। तो पॉइंट कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, ए एंड सी हम सॉल्व करते हैं, ए एंड सी, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पॉइंट की हो जाएगी 5 - 2 एंड सी की पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे 7 - 2, x1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 7, y1 की वैल्यू जाएगी -2 और y2 की वैल्यू जाएगी यहाँ पे भी -2, मतलब दोनों जगह पे -2 और -2 ये। अब पॉइंट कर लेते हैं इसका a एंड c का डिस्टेंस क्या है, ac इक्वल आपको फॉर्मूला लगाना है x2 - x1 मतलब 7 - 5 और इसका प्लस y2 - y1 मतलब -2 और ये +2 होल स्क्वायर, क्योंकि x2 की वैल्यू -2 है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। लगा देते हैं हम AC इक्वल क्या हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे और 7 - 5 करेंगे क्या आएगा 2 स्क्वायर, ये वैल्यू जाएगी पूरी तरह से 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 0, ये +2 है -2 कट जाएगा
क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एस सी इक्वल आ जाएगा। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर जीरो का सेम ही आएगा, मतलब तो डी एस सी इक्वल हो जाएगा टू यू। अब आपको एक चीज ये पता चल गई होगी, क्या सेम मिली आपको, आपने जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट फाइंड किए थे ए बी एंड बी सी वो था क्या है, सेम है। आपकी मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपके पास टू साइड के जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल हो रहे हैं तो वो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। वही चीज आपको राइट करना है, देख लीजिए जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट मैं यहां पे राइट कर दूंगा, ये ऑल चीज और यहां पे इरेज कर देता हूं, ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ था और मैं इरेज कर देता हूं। आपके पास क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, हमने तो फाइंड किया था फर्स्ट, हमने यहां पे सॉल्व किया डिस्टेंस पे क्या आया, हमने फाइंड किया था ए बी, ए बी को जब हम फाइंड कर रहे हैं तो रूट 37 ये हमारा आंसर आया। सेकंड हमने सॉल्व किया बी सी, क्योंकि बी सी के लिए हमने डिस्टेंस सप्लाई किया सॉल्व किया यहां पे, तो इसका आंसर क्या आया 37 ये भी आ रहा है। और जब हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं क्या AC, तो हम यहाँ पे AC आ जाए therefore लगा सकते हैं, since therefore AC के लिए क्या है यहाँ पे 2 units, तो आपको यहाँ पे क्या लगा होगा कि AB equal क्या है AC, मतलब इसमें से two side क्या है equal है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये पहले हम लिख रहे हैं therefore AB BC, AB इक्वल क्या है BC, मतलब हमारे पास टू साइड क्या है इक्वल है, मतलब अगर टू साइड हमारे पास इक्वल आ रही है और जो थर्ड साइड है वो नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर हमने टू साइड इक्वल बता दिया मतलब हमें ये पता चल गया कि AB इक्वल AC है, सो क्या बता सकते हैं hence the points कौन से आपके पॉइंट हमारे पास जो दिया हुआ है, ये पॉइंट hence the points a के मतलब कि डायरेक्टली से 5 minus 2 6 6 4 and 7 minus 2 are and isosceles triangle, मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट दिया हुआ है 3 point ये एक isosceles triangle के पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये चीज अगर आपको मैं फिर से बोलूं तभी आप बनाइए जब आपको डायग्राम के बारे में पूरा नॉलेज हो, अदरवाइज आप इसको रफ वर्क में भी कर देंगे फिर भी आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। और आपके बोले सर आपने यहाँ पे इसको नॉट इक्वल आपने क्वेरी बताया, तो अगर आपको बताना है तो यहाँ पे नॉट इक्वल करके एसी बता सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे टू यूनिट नॉट इक्वल, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको केवल बताना है ऐसा सर, उसके लिए मेन हमारे जो आंसर होने वो केवल टू साइड होने चाहिए। तो टू साइड हमारे पास दिया है, हमने टू साइड इक्वल बता दिया, अदर साइड से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर ये भी इक्वल हो तो हम बता देते हैं, अगर ये तीनों साइड इक्वल होती है मतलब वो इक्वल ट्रायंगल हो जाता है, वो हमें प्रूव कर दें क्योंकि हमें केवल यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है जिसमें टू साइड इक्वल होती है। ये चीज़ अगर आप लिख भी रहे हैं क्योंकि आपका राइट है, बट अगर आपको नहीं लिखना है तो ये चीज़ें आपका रॉन्ग नहीं होगा। ये चीज़ हमको जो बताया तो वो सॉल्व कर दिया, और आपकी बुक में जो टाइप के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके एग्जाम्पल में भी मिल रहे हैं वो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।